हाय गाइज, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग। तो आपने देखा है कि हर एग्ज़ाम में संविधान से भारतीय संविधान के भागों से क्वेश्चन अवश्य आता है फ्रेंड्स। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो हर एग्ज़ाम में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इसको याद रखना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड्स आगे। तो भारतीय जो संविधान है, तो भारतीय संविधान के भाग आज अपन इस वीडियो के अंदर वन लाइनर क्वेश्चन के आधार पर पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आता है, पूरी वीडियो देखिए। और भैया और बहनों के लिए फ्री सेवा, फ्री, नो चार्ज, नो टेंशन। तो भाग एक के अंदर फ्रेंड्स, भाग एक जो है संघ, यानी कि संघ किसका, सभी राज्यों का संघ और उनका राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग एक में क्या आता है, संघ और उनका राज्य क्षेत्र, भाग एक के अंदर। भाग दो के अंदर जो भारत की जो नागरिकता होती है उसके, वो कौन से भाग में आती है, दो नंबर में। आपको एग्ज़ाम में क्या करेगा, एग्जामिनर एक ऑप्शन, चार ऑप्शन बना देगा, उसमें से भाग दे देगा कि भाग एक किससे संबंधित है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं आगे, मूल अधिकार की बात करते हैं। तो मूल अधिकार किस में आता है, भाग तीन में। मूल अधिकार किस में आता है, भाग तीन में, यानी कि अपने भारत के जितने भी नागरिक हैं उनके मूल अधिकार किस में आते हैं, भाग थर्ड में। अब बात करते हैं भाग चार की, तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व किस में आते हैं, भाग चार में। तो भाग चार का किससे संबंधित है, मूल कर्तव्य से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है। भाग चार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ध्यान रखना। भाग पाँच किस में आता है, भाग पाँच संघ, यानी कि जितने भी राज्य हैं उनका एक संघ होता है, तो वो किस में अंदर आएगा, भाग पाँच में। भाग छः में कौन से आएंगे, स्टेट्स, यानी कि जितने भी राज्य हैं वो भाग सिक्स के अंदर आएंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखना। सिक्स के अंदर क्या आएंगे, राज्य। भाग सात की बात करते हैं, ये क्या, भाग सात एक निरस्त कर दिया गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सा भाग निरस्त कर दिया गया है या निकाल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं भाग आठ। भाग आठ जो है राज्य क्षेत्र, यानी कि जितने राज्यों के जो क्षेत्र आते हैं वो भाग आठ के अंदर आते हैं फ्रेंड्स। और भाग नाइन के अंदर आती है पंचायत, ठीक है फ्रेंड्स। हर राज्य में पंचायत होती है, तो आती है भाग नाइन के अंदर, ठीक है। हर गांव के अंदर पंचायत आती है, तो किसके अंदर आती है, भाग नाइन के अंदर, ध्यान रखना। भाग नाइन का मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट नगर पालिका, और भाग छह के अंदर सहकारी समितियाँ। भाग नाइन के अंदर नगर पालिकाएँ और भाग नौ के अंदर सहकारी समितियाँ सोसाइटीज जितनी भी है वो भाग नौ के अंदर आती है। अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र किसके अंदर आते हैं फ्रेंड्स, जो अनुसूचित जाति SC ST है ना, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र आते हैं भाग दस में। तो ध्यान रखना भाग दस में कौन सी आती, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, यह है संविधान के भाग। आगे बढ़ते हैं भाग ग्यारह आता है संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी कि भारत यूनियन जो बनी हुई है और राज्यों के बीच जो संबंध है, भाग 11 के अंदर आता है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाग 12 है वित्त, यानी कि जो करेंसी पैसा है ना, तो वो वित्त भाग 12 के अंदर, जो संपत्ति है अपनी वो भी भाग 12 के अंदर, ध्यान रखना संपत्ति भी भाग 12 के अंदर। संविदाएँ जितने भी संविदाएँ और वाद विवाद होते हैं, नहीं विवाद नहीं ओनली वाद, वो किसके अंदर आएंगे, भाग 12 के अंदर, ठीक है। और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, यानी कि जो अपना भारत देश है उसके जो क्षेत्र है, तो उसके अंदर जो व्यापार वाणिज्य कॉमर्स है ना, और उनका दोनों का समागम, यानी कि दोनों को मिलाकर किस में आएगा, भाग 13 में, 13 में,
किसका? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम, तो किसके अंदर आएगा? भाग 13 के अंदर, ध्यान रखना फ्रेंड्स। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14 किसके अंदर आएगा? संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनके बीच, वो किसके अंदर आएगी? भाग 14 के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। भाग 14 क या ए, तो उसकी अधिकरण क्या आएगा? अधिकरण किसके अंदर आएगा? 14 क के अंदर अधिकरण आएगा। 14 क किसके अंदर आएगा? अधिकरण, ध्यान रखना। भाग 15 के अंदर आएगा निर्वाचन, यानी कि निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्र, वो किसके अंदर रखे गए हैं संविधान में? भाग 15 के अंदर, टोटल 22 भाग है। भाग 16 के अंदर आएंगे कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी कि जो वर्ग है अपने SC ST OBC है ना, जनरल सामान्य वर्ग अनुसूचित जाति, तो उनके बीच विशेष संबंध जो है भाग 16 के अंतर्गत आएंगे, आप शॉर्टकट याद रख। और जो राज्य भाषा होती है वो किसके अंदर आती है? भाग 17 के अंदर, यानी कि राज्य की जो राज्य भाषा है वो किसके अंदर आती है? भाग 17 की, यानी कि अपने अपने राज्य, अलग अलग राज्य होते हैं। जितने भी आपात लगे हैं, राष्ट्रपति आपात है ना, तो किसके अंतर्गत आएंगे? भाग 18 के अंदर, भाग 18 के अंतर्गत आएंगे आपात उपबंध, ठीक है। भाग 19 के अंदर आएंगे प्रकीर्णन मामले, जितने भी प्रकीर्णन मामले हैं वो 19 के अंदर आएंगे। संविधान का संशोधन, अब देखो संविधान का संशोधन होता है तो किस भाग में आएगा? भाग 20 के अंदर रखा गया है, यानी कि संविधान में जो संशोधन होता है होगा तो किसके अंतर्गत आएगा? भाग 20 के अंतर्गत। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किसके अंतर्गत आएंगे? भाग 21 के अंतर्गत, ध्यान रखना कि अस्थायी, अनस्टेबल और संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध भाग 21 के अंदर आएंगे, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भाग 22 टोटल लास्ट है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, तो किसके अंतर्गत आएंगे? भाग 22 के अंतर्गत। संक्षिप्त नाम प्रारंभ यानी कि शुरू, स्टार्टिंग, हिंदी में प्राधिकृत जो पाठ है वो और एक निरसन डिलीवर्ड है ना, तो ये किसके अंदर आएंगे? 22 भाग के अंदर। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट, आप इनको एक दो बार रिवीजन कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। और यहाँ से संविधान में ये मूलभूत आवश्यकता, मूलभूत जानकारी रखना आवश्यक है फ्रेंड्स। और इसी तरह से प्यार बनाए रखो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। इसी तरह की वीडियो अपन लाते रहेंगे, और आपका प्यार, तो थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।